सो गाइज वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी अखरोट का हलवा बनाना, वॉलनट का हलवा। सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून घी डालूंगी। घी की क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज करना वो आपके हाथ में है। मैंने यहाँ पे 1 3 बड़ा टेबलस्पून घी डाला है और 5 कटोरी अखरोट लिए हैं, क्योंकि मेरे घर में 5 लोग हैं तो फिर मैंने ये 5 लिए। आप इसको भी अपने हिसाब से देख सकते हैं, बिल्कुल भी फाइन ग्राइंड ना करें, इसको थोड़ा दरदरा ही रहने दें। जैसे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल दरदरा पीसा है मैंने, और इसको जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते, गोल्डन ब्राउन बिल्कुल, तब तक इन्हें धीमी आँच पर भूने और फ्लेम को ना कम ही रखें, क्योंकि फिर उससे ना इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। अगर आप बढ़ा देंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। 5 मिनट बाद इसका कलर थोड़ा ऐसा आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन टेक्सचर हो जाएगा इसका, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से रेडी नहीं है। इसको कम से कम आप 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनें। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 15 मिनट बाद बिल्कुल गोल्डन हो चुकी हैं, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन ब्राउन एकदम नहीं होता। मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे भूना है, बिल्कुल लो फ्लेम में, मैंने मीडियम भी नहीं करी है बिल्कुल भी फ्लेम। और ये थोड़ी थोड़ी से ना घी ना रिलीज करने लगा है, दिख रहा होगा आपको। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मैंने इतने हलवे में 1/2 लीटर मिल्क लिया है। मुझे ये ऐसे भी अच्छा लगता है। बहुत लोग इसमें ना मिल्क पाउडर डालते हैं और भी बहुत सारी एडिशनल चीज़ें डालते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये मेरे को नॉर्मल ही अच्छा लगता है। मैं सिर्फ मिल्क ही डालती हूँ। अगर आपको इसमें मिल्क पाउडर डालना है देन आप इसमें 1 कटोरी मिल्क पाउडर में, जैसे मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है तो आप हाफ कर दें और फिर उसके अंदर मिक्स करके फिर आप इसमें डालें। लेकिन मुझे ये नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ दूध से ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें मिल्क ही ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा थिक होने लगा है, अब ये थोड़ी देर में थिक हो जाएगा। मैं आपको इसको 5 मिनट बाद दिखाती हूँ ये कैसा हो गया है। और इसको आप ना कंटिन्यूस चलाते रहें वरना ये नीचे लग जाएगा, उसके बाद वो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता, तो आप इसको चलाते रहें। 5 मिनट बाद इसकी कंसिस्टेंसी तो थिक हो गई है और इसने बहुत सारा घी भी रिलीज़ कर दिया है। तो अब यही टाइम होता है जब आप इसमें शुगर ऐड करें। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और मैंने 3 छोटी कटोरी शुगर ली है। आप शुगर की क्वांटिटी अपने हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने वॉलनट लिए थे 5 कटोरी, तो आप चाहें तो 2.5 कटोरी चीनी डाल सकते हैं, पर मेरी कटोरी का साइज़ बहुत छोटू सा था तो फिर मैंने उसको 3 कर लिया। मतलब अगर आपको आइडिया ना हो तो आप ऐसा डाल। मैं यहाँ शुगर ऐड करूँगी, देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। और आप ना शुगर जब ही डालें जब आपका हलवा घी रिलीज करने लग जाए। जैसे कि आपने देखा था अभी मेरा हलवा कितना ज़्यादा घी रिलीज कर रहा था, तो मैंने इसमें फिर शुगर ऐड करी है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और आप और एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, आप जब भी इसको भूनें तो आप प्लीज़ लो, बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनें। मैंने मेरी गैस की जितने से कम फ्लेम थी ना मैंने उसमें पूरा हलवा भूना है, तो इससे ना बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। हाँ टाइम कंज्यूमिंग है पर ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। जैसे कि आप देख सकते हैं। और एक एडिशनल चीज़, मैं इसमें केसर भी डालती हूँ,
तो अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, वरना इसका कलर ऑलरेडी बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा लगता है, इस वजह से मैं इसमें केसर ऐड करती हूँ। देख सकते हैं मेरी हलवे की कंसिस्टेंसी कितनी सही है। अभी ये थोड़ा और गाढ़ा होगा, तो अभी इसको ऐसे ही रखेंगे अंदर और मैं इसमें केसर डाल देती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे पसंद है इस वजह से मैंने डाला है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता या आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। बस मुझे केसर डालने के बाद इसकी जो स्मेल होती है ये मुझे और ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसमें केसर डालती हूँ। और मैं मोस्टली हर चीज़ में केसर डालती हूँ, मतलब जो भी मैं मीठी चीज़ बनाती हूँ। बस अब ये कंप्लीट ही हो गया है, बस ये थोड़ा सा और थिक हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा घी है, और ये अब मुझे ये ऐसे ही अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ये सूखा सूखा फिर इसमें कुछ पता नहीं लगता, तो अखरोट का हलवा ऐसे नहीं अच्छा लगता। अब ये थोड़े मतलब मैं इसको गैस से उतार लूँगी तो ये थोड़े टाइम बाद खुद ही थिक हो जाएगा। अब आप इसको गार्निश कर सकते हैं, मैं तो इसको बादाम से गार्निश करूँगी क्योंकि मुझे बादाम पसंद है, वरना आप पिस्ता से और भी कुछ किसी किसी चीज़ से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी प्यारी है, और इसका कलर सबसे मेन चीज़ कलर, बहुत लोग होते हैं भूनते कम है फिर कलर नहीं आता, और भूनने की ही वजह से टेस्ट आता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप मिल्क पाउडर ले आए मार्केट से, उसमें फालतू के पैसे फंसाएं और फिर उसके बाद उसमें से कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मेन चीज़ होती है आप कितनी देर उसको भूनते हैं। मैंने 15 मिनट भूने हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और कोई भी चीज़, सिर्फ ये हलवा ही नहीं, अगर आप कोई सब्जी भी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि हम इसका मसाला काफ़ी देर तक लो फ्लेम पे भूनें, क्योंकि फिर टेस्ट उसी चीज़ का है। मसाले तो आप कितने भी ऐड कर दें वो तो ठीक ही है जो है। मैं इसमें इसको गार्निश करने के लिए इसमें बादाम डाल देती हूँ, मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ। मोस्टली लोग इसमें पिस्ता डालते हैं, अगर आपको पिस्ता पसंद है तो आप वो डालें, पर मुझे पिस्ता नहीं पसंद, उसमें वो जो सॉल्ट जैसा टेस्ट आता है मुझे नहीं पसंद आता, इसलिए मैं इसमें बादाम डालती हूँ। और हाँ, वन मोर थिंग, आप इसमें जब मैंने इसको भुना था अखरोट को, तो आप इसमें एक कटोरी काजू भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि फालतू की चीज़ें ऐड करना कोई मतलब नहीं है, टेस्ट हम इससे भी ला सकते हैं, इसलिए मैं नॉर्मल और सिंपल वे में बनाने की कोशिश करती हूँ चीज़ों को, क्योंकि सब चीज़ हर किसी के घर में अवेलेबल नहीं होती। मैं डालने को अभी डाल सकती थी, लेकिन फिर मैंने उसको स्किप किया क्योंकि मुझे इसको नॉर्मल रखना था, वरना मैं अभी मिल्क पाउडर भी ले आती, मैं उसको भी डालती, मैं हज़ार चीज़ें डाल देती, नहीं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि टेस्ट आना सेम है, तो फालतू में उतना इन्वेस्ट ना किया जाए, जितना घर में है उतने से बना दिया जाए, ये मेरी सोच है। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगेगी तो मैं रेसिपी ब्लॉग बनाऊंगी, वरना मैं कुछ और देखूंगी।